मुझे सिर्फ एक और बात बतानी है, वो ये है कि आपने ना मुझे बताना है कि एक जो बच्चा ना इसको इसको रस्सी डाले या ना डाले, इसके लिए रस्सी, क्योंकि मुझे ध्यान में आ रहा है कि रस्सी इसको डाली जाए या ना डाली जाए, क्योंकि बकरी को तो हमने डाली है ना, और बच्चे के मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको डालें या ना डालें, ये मुझे ना असल पता नहीं है ये बात पे। आप जरा बड़ी लाइट डाल के ना मुझे बता दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब प्यार दोस्तों, मैं अपने गार्डन में आया हूँ। आपको पता है कि काफ़ी दिन से ना बारिश हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, आप देखो आज ना काफ़ी अच्छा मौसम है और सूरज निकल गया है और पौधे देखो ना किस तरह खुश हैं, और देखो माशाल्लाह ना सब, कल दो दिन तीन दिन हो गए हैं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और चेक करें पौधे किस तरह ना भीग गए हैं, और वो देखो मीने जू के आगे कितना पानी खड़ा है और कूड़ा भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा निकला है, थोड़ी देर तक ना उसको भी फेंक के आते हैं और साथ में ना अब फिर अंदर जाके बाकी वीडियो बनाते हैं, और देखो माशाल्लाह चेक करो किस तरह ना सारे पौधे खुशगवार हैं, और अब चलते हैं हम अपने मिनी जू में। क्या दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे घर ना ये जो ना पिजन है, देखो माशाल्लाह पिजन क्या है ठीक हो, और कोई अंडा भी नहीं है, मैंने कहा शायद अंडा कोई पड़ा हो लेकिन अंडा कोई अंडा नहीं है, और ये देखो माशाल्लाह चेक करो ऑस्ट्रेलियन तोते कितने खुश हैं, इनमें से ना एक थोड़े दिन पहले ना मर गया था, उसको बताने क्या हुआ, अच्छा भला था मैंने उसको पकड़ा, थोड़ा सा ना बीमार सा लग रहा था मुझे, मैं उसको लेके गया हूँ पकड़ के, और जैसे ही मैंने मेरे हाथों के अंदर भी बेचारे फिश था उसकी जान निकाल के ले गया। पर दोस्तों मैं ना एक कैट भी लेके आया हूँ, लेकिन ना अभी मैंने आपको दिखानी नहीं है, बस आप ना उसकी आवाज़ सुनेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको दिखानी नहीं है, पर दिन बाद मैं वीडियो बनाऊँगा ना उसकी इंशाल्लाह, अगली वीडियो ना मैं कैट की बना के ना आपको दिखाऊँगा ठीक है। तो आप देखते हैं और सब कैट देख लेते हैं। ओए तुम क्यों बाहर जा रहे हो, चलो चावल अपने घर के अंदर जल्दी से जाओ, और इधर को चलते हैं। हाँ भाई डॉग, ओहो भाई साहब चेक करो डॉग साहब बैठी हैं, चेक करते हैं अंडा तो नहीं कोई दे दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडा वंडा कोई नहीं है भाई साहब, तो बस ना बैठी हैं। ओ फिंच भी अंदर गया है, फिंच लगता उड़ गई हैं बाहर, देखते हैं यार इनको ना देखते हैं अंदर, वो है ये वो है, आपकी मीना किधर है, बाहर आओ तुम भी, जी ना बात नहीं सुना, चलो इनको ना बैठे रह देते हैं, क्योंकि अब ना नेक्स्ट में ना अगली वीडियो में ना इनके अंदर घोंसले के अंदर हाथ मार के चेक करूँगा कोई अंडा तो नहीं दिया, ये घोंसला इनका घोंसला चेक कर देते हैं कोई अंदर की चीज़ तो नहीं ढूंढ जाती, क्योंकि मैं ना इसलिए इतने दिन बाद ना मैं सारे घोंसले चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आंखें खराब थी जिसकी वजह से ना मैं यहाँ आता नहीं था, इसलिए ना मैंने कहा और देखते हैं सारे घोंसले चेक करते हैं क्या बात है। माशाल्लाह वो देखो कितने कितने बड़े हो चुके हैं इनके बच्चे, चेक करो माशाल्लाह, उनको सर्दी है, सुबह सुबह का दिन है, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, मैं इनको पकड़ता नहीं, वैसे ही आपको दिखा देते हैं। माशाल्लाह दो बच्चे हैं, माशाल्लाह कितने माशाल्लाह खूबसूरत है, इसको ऐसे बंद करते हैं और वापस ला देते हैं, इनको फुल जहरीली ना भूख लग गई है तो ना इनको इनकी कमी नहीं डाल देते हैं, और साथ में पिछड़ों का बॉक्स चेक कर लेते हैं, पिछड़ों आपने कोई अंडा कभी नहीं दे दिया, कोई भाई साहब अंडा नहीं है, खाली पड़ा सारा, इसको भी बंद कर देता है, फिशरा भाई अंडा तो दे सी ना कोई, तुम क्या कर रहे हो, ये अंडे नहीं दे रहे, इनको ना पता नहीं क्या मसला हुआ है, तो ना मुर्गियाँ जो है ना वो हम खोल लेते हैं। तो आपको ना पता ही है मेरा एक खरगोश ना मैंने किसी को दे दिया था, उनके उन्होंने दो खरगोशियाँ ला के रखी थी, वो मुझे कह रहे थे पहले ना ऐसे करते हैं दो खरगोश हमें दे दो, दो खरगोश नहीं है तुम ले लो, हम खरगोश जिबा करके खा जाएगा, हमने उनको कहा नहीं तुम खरगोश एक ले लो दो खरगोश नहीं के लिए, तो ना तू वैसे ही रख ले जब बच्चे देगा ना फिर हमको वापस कर देना जब तुम्हारे पास खरगोश हो जाएगा, वो कह रहा था नहीं भाई तुम भला क्या कर, उन्होंने ना ले गया पर वो उसने थोड़ी देर रखा, फिर वो उसने वादा किया, वो कह रहा मैं ना यार आग गया हूँ, क्योंकि आपको बता उनकी सफाई खिला रहा कितना मुश्किल काम है, वो देखो दो दाबड़े पड़े पड़े हैं, अब मैंने फेंक के आने हैं, मुझे पता कितना मुश्किल काम है, वो देखो वो खरगोश नहीं है,
तो प्लीज बस आपसे मुझे यह रिक्वेस्ट है तो जो जो मेरी वीडियो देखते हैं ना बस एक सब्सक्राइब कर दें, सारी दर्द मेरी ना खत्म हो जाती है। और जो देखो हमें खरगोश भी जो इस खरगोश के बदले आई थी वो है, वो देखो नीचे बैठी है। ये जो दोनों खरगोश है ना इसको मारती है, इसलिए होकर इससे बैठी है कि मुझे ये कुछ कहे ना। इसको थोड़ा सा घास डाल देते हैं क्योंकि ये हमारे घर नई नई मेहमान आई है। तो इन्होंने ना जब मेरी आंखें खराब थी तो इन्होंने दो खरगोश मेरे जिबा कर खाए थे, इनका मैं कहूँगा लाज। अब इनको मैंने कोई खरगोश नहीं जिबा करने देना, मैं अपने खरगोश जिनता हूँ कि नहीं रह गई है। मेरे जब मैंने मेरी आंखें सही थी तब मेरे खरगोश 11 थे, अब जिनते हैं कितने रह गए हैं, 1 2 3 वो तो नया आया उसको तो छोड़, नहीं नहीं बल्कि उसको भी नहीं, 4 एक वो रह गया, 5 खरगोश रह गया, 6 खरगोश हजम भी कर दिए यार ये। मैं इनको अब करूँगा नीचे जाकर लाऊंगा इनको, कोई हो गया सर। दोस्तों आपको पता है कि ना हमारी बकरी जो है वो पीने वाली थी, उसने एक बच्चा दिया है और ना उसने बच्चा देने को उसको हो गया है 2 दिन, दूसरे वाले दिन उसको बच्चा दिया था और आज इतवार का दिन है और इसलिए ना उसने 2 दिन हो गया बच्चा दिए को और बच्चा उसका हो बैठा है। बच्चा बकरी माशाल्लाह सारी कितनी खूबसूरत है, तो अब इसको बाहर निकालता हूँ आपको थोड़ा सा इसको भगा चिगा कर दिखाता हूँ ये कितना माशाल्लाह सेहतमंद है और कितना माशाल्लाह फुर्तीला है। ये देखो माशाल्लाह बकरी का बच्चा, बकरी सूंघ रही है कि मेरा ही जाना है, भाई बकरी ये आपका है, देखो माशाल्लाह चेक करो। इसको हमने ना कोठरी डाल दिया क्योंकि उसकी माँ को भी डाली थी ना, बच्चा कह रहा था मुझे भी डालो मुझे सर्दी लगता है, ऐसे ऐसे काम का था ना, अब देखो नहीं काम का, उनका कोठरी डाल दिया कोई मसला नहीं है, जैसे मैंने डाल दिया मुझे भी कोई मसला नहीं है। दोस्तों देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, मैंने आपको ना 2 दिन पहले वीडियो दिखा दी थी लेकिन ना पर मेरी आंखें आपको पता है कितनी खराब हो गई हैं, मैं दुआ करूँगा जल्दी से सही हो जाए फिर मैं ना रोज का रोज ब्लॉग डालो करूँगा। तो ना अब इसको ना थोड़ा सा ना खाया है मैंने इसको, कितना बकरी देखना क्या करती है, जैसे मैं इसको लेके जाऊंगा ये भी बोलेगा बकरी भी बोलेगी, वो बकरी ने बोलना क्यों काफी है ना, देखना बिस्मिल्लाह आपका बच्चा है चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।